अच्छा, बहुत दिनों बाद राइड का प्लान बना तो नियरेस्ट जगह भी आने का सोचा। तो ये एरिया दिस इज कॉल्ड काठोड़। ये बैरियर टाउन से लगभग 7 किलोमीटर आगे है और वैसे तो ये प्राइवेट लैंड है जहाँ पे मैं अपनी बाइक की राइड ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ग्रीन एरिया है। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्हीं की लैंड है और इधर ही आगे जाके उनका एक बहुत अच्छा फार्म हाउस भी है। वाई डिसाइडेड के चलें इतने अरसे बाद राइड ले रहे हैं तो ज़रा रीज़नेबल सी राइड होनी चाहिए। 40 किलोमीटर तक का फासला बनता है ये ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी इन्होंने फार्मिंग की हुई है, पपाया लगाया हुआ है, गंदम लगी हुई है, बैक साइड पे जाके और वेजिटेबल्स वगैरह भी इन्होंने ग्रो करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। नियरेस्ट राइड पे आने का कभी किसी का इरादा हो तो इस साइड पे आ सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली इस जगह पे, क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है तो हर किसी को एक्सेस नहीं है। तो लेकिन वैसे अगर रोड की साइड पे चक्कर लगाना हो तो ये बहुत अच्छी बेल्ट है एक राइड के हवाले से। तो मैं अक्सर कभी छोटी राइड्स का मूड होता है तो मैं इस साइड पर ही आना प्रेफर करता हूँ। थोड़ी देर आके बैठता हूँ, रेस्ट करता हूँ और अपनी वापसी का सफ़र शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल सामने जो है आपको जो नज़र आ रहा है ये फार्म हाउस है और ये घोड़ों का स्टेबल है। तो बस यहाँ भी थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वापसी का सफ़र शुरू करेंगे।